वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप SBI और RBI असिस्टेंट मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है ये। तो आगे अपने डिस्कस करेंगे इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन। अभी देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप GA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फेयर क्लाउड्स के जो मंथली और वीकली PDF सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर 90% तक क्वेश्चन वहाँ से कवर हुए हैं, तो उसको आप लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंकिंग सक्सेस कोड यूज कीजिए, 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जो न्यूज है उस पर बात करते हैं और देखते हैं उसका क्या फ़ायदा होने वाला है बैंकिंग एग्जामिनेशन को। यानी आज जो एक वेबिनार का आयोजन किया गया था जो HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, तो वहाँ पर इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो नीट और JEE मेन्स की परीक्षाएँ हैं, जो होनी थी JEE मेन्स की परीक्षाएँ मई के स्टार्टिंग में, अब वो परीक्षाएं जो है इन्होंने एक डेट यहाँ पे दी है। तो वो डेट क्या दी है वो देखते हैं अपने। पहले तो देखिए JEE मेंस के लिए जो परीक्षा दी है वो 18 से 23 जुलाई की जो डेट है इन्होंने मेंशन की है कि JEE मेंस के लिए 18 से 23 जुलाई तक जो है वो एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद जो मेडिकल स्काई में जो प्रवेश परीक्षा नीट की जो परीक्षा है, नीट की परीक्षा कब होगी, 26 जुलाई को आयोजित होगी। तो ये जो परीक्षाएँ हैं ये COVID-19 के कारण पहले टाल दी गई थी। अब इन परीक्षाओं पर जो रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक वेबिनार का आयोजन करके पूरे देश भर से स्टूडेंट्स के डाउट भी लिए थे और उनमें से उन्होंने ये डिस्कशन करके और ये जो एक अनाउंसमेंट किया, तो ये बहुत राहत भरा अनाउंसमेंट है कि जो परीक्षाएं हैं वो होने जा रही है दोबारा से। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, चाहे बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जिन जिन के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, चाहे पुलिस कॉन्स्टेबल जो भी एग्जामिनेशन आगे हुए थे, इन एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो एग्ज़ाम है ये मिड ऑफ जुलाई के बाद सभी एग्ज़ाम लाइन बाई लाइन जरूर होंगे। और इनमें इन्होंने ये भी बोला था कि हम जल्द ही 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन पर भी डिसीजन लेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम्स है जो सभी के सभी पोस्टपोन हो चुके हैं, अब उनके होने की जो संभावना है वो और बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे। यानी आप मान के चलो जुलाई या अगस्त के अंदर बैंकिंग के एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा आसार है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है आपको उसको बूस्ट करके रखना है। चाहे आप किसी भी मेन्स एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे RBI, चाहे SBI क्लरिकल मेन्स की प्रिपेयर कर रहे हो, या आप SBPO प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, RRBPO RRB क्लरिकल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, IBPS PO IBPS क्लरिकल, यानी जितने भी एग्जाम है बैंकिंग के जो IBPS का कैलेंडर है, SSC रेलवे वाले भी जो एग्जाम है जो पोस्टपोन हुए थे, वो सभी एग्जाम बहुत जल्द होंगे। क्योंकि ये एग्जाम जो है वो ये दर्शाता है कि हमारे जो इनका एग्जाम था वो मई के अंदर होना था और अब ये एग्जाम जो है जुलाई में शेड्यूल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है स्टूडेंट्स आपके लिए, तो यही शेयर करना था आपके साथ। तो वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और दो लोग ये बोल रहे कि एग्जाम 6 महीने नहीं होगा, 1 साल वैकेंसीज नहीं आएगी, 1 साल बाद एग्जाम होंगे, तो उनका ये जो आप उनमें भ्रम में ना पड़े और अपनी जो प्रिपेयर है उसको आप करते रहें, क्योंकि एग्जाम जो वो डेफिनेटली बहुत जल्द होंगे। और अगर आपकी प्रिपेयर थोड़ी भी कम हुई, आप लोगों से पीछे हुए, तो आपका सिलेक्शन जो है इस साल नहीं होगा। अगर आप लोगों से आगे होना चाहते हैं तो प्रिपेयर जो अपनी उसको डबल कीजिए, बूस्ट कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन इस साल जरूर हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।